नमस्कार, स्टेट टाइम्स की टॉप 10 न्यूज में आप सबका स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। पुन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश, सतर्क जवानों ने की नाकाम। श्रीनगर के लाल बाजार में आतंकियों ने पुलिस की टीम पर की फायरिंग, एक जवान शहीद और दो घायल। LG मनोज सिन्हा ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर दी बधाई और कहा कि ये उन शिक्षकों को याद करने और आभार व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण दिन है जिन्होंने अपने ज्ञान, जागरूकता और प्रेम से आशीर्वाद दिया है। भारत चीन सीमा विवाद के हल के लिए बातचीत जारी, मोदी सरकार की विदेश नीति में सुरक्षा पहली प्राथमिकता। कश्मीर के बुनकर ने वॉल हैंगिंग पर बनाया तिरंगा, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहते हैं भेंट। कोरोना ने बढ़ाई चिंता, देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1.5 लाख के पार, 45 लोगों की मौत। मुगल रोड पर खाई में गिरा ट्रक, 2 की मौत, 1 घायल। अंत में खेल समाचार, भारत को लगा बड़ा झटका, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे से भी बाहर हो सकते हैं विराट कोहली। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें, और खबरों के लिए देखते रहें स्टेट टाइम्स।